हेलो फ्रेंड्स तो चलिए देखते हैं इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है तो चलिए पहले पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को क्वेश्चन में दिया है कि द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज इज वन मिलीमीटर द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर फाइव माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ अ वायर इज देखिए हमको गिवन में दो डेटा दिखाई दे रहा है एक तो दिखाई दे रहा है वन मिलीमीटर और एक बोल रहा है कि फाइव माइक्रोमीटर तो ये दोनों है क्या दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज तो ये जो वन मिलीमीटर दिया हुआ है ये क्या हमको लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज दिया हुआ है क्या नहीं ये जो वन मिलीमीटर दिया है ये जो हमको पता है कि स्क्रू गेज में एक होती है मेन स्केल और एक होती है सर्कुलर स्केल एक तरीके से मेन स्केल रहती है और उसके इस तरफ इस तरफ को ऐसे सर्कुलर स्केल लगी रहती है तो मेन स्केल का एक लिस्ट काउंट है वन मिलीमीटर एक्चुअली में हमको ये एक पिच दी हुई है पिच क्या होता है जब हम सर्कुलर स्केल को एक बार ऐसे पूरा रोटेट करते हैं या हेड को इस तरीके से रोटेट करते हैं तो वाइट हॉर्जोंटल डिस्टेंस में जितना आगे बढ़ जाते हैं वाई दैट इज़ कॉल्ड नोन एज पिच तो ये हमको पिच दिया हुआ वन मिलीमीटर ये हमको कह सकते हैं ये वन मेन स्केल डिवीजन हमको दिया हुआ है वन मिलीमीटर का हमको क्या बोल रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ डिवीज़न अब सर्कुलर स्केल नॉर्मल अगर एक हमारा स्क्रू गेज होता है तो उसके सर्कुलर स्केल में हंड्रेड डिवीज़न होते हैं और लीस्ट काउंट का लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल सर्कुलर स्केल पे कितने नंबर ऑफ़ डिविजन है तो नॉर्मल कोई सा एक अगर स्क्रू गेज होता है तो उसकी पिच होती है वन मिलीमीटर की और उसमें नंबर ऑफ़ डिविजन होते हैं सर्कुलर स्केल में हंड्रेड इस तरीके से हमारा जो लीस्ट काउंट आ जाता है स्क्रू गेज का वो आ जाता है जीरो पॉइंट जीरो वन मिली का मतलब जीरो पॉइंट जीरो वन मिली की किसी भी चीज़ को हम कम से कम मेजर कर सकते हैं उससे छोटी किसी भी चीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते ऐसा किसी स्टैंडर्ड स्क्रू गेज के लिए होता बट मुझको बोला है इस केस में मुझे मेजर करना है एक फाइव माइक्रोमीटर डायमीटर का एक वायर है जिसका डायमीटर है फाइव माइक्रोमीटर तो उसको मेजर करना है तो कम से कम लिस्ट काउंट तो मेरा उतना होना चाहिए तो लिस्ट काउंट मेरा तो ये जो फाइव माइक्रोमीटर दिया है दैट इज द लिस्ट काउंट तो ये अभी हमारा जो स्क्रू गेज नॉर्मल स्क्रू गेज हम लोग यूज करते हैं वैसा नहीं है ये कोई दूसरा स्क्रू गेज है जिसकी लिस्ट काउंट कम से कम तो मतलब इतनी फाइव माइक्रोमीटर तो होनी ही पड़ेगी तो इस बार जब मैं लिस्ट काउंट का फॉर्मुला लगाऊंगा तो देट वुड बी फाइव माइक्रोमीटर पिच पिच तो सेम ही दी हुई है मिलीमीटर तो अब बोल रहा है कि अगर मुझे माइक्रोमीटर के किसी वायर को मेजर करना है तो इस बार सर्कुलर स्केल पर कितनी डिविजन होनी चाहिए तो दे, देखिए जब सर्कुलर स्केल पर हंड्रेड डिविजन थी तो लिस्ट काउंट लीस्ट लिस्ट काउंट आई थी जीरो पॉइंट जीरो वन मिलीमीटर अब लीस्ट अब ये जो दिया हुआ है लीस्ट काउंट ये तो फाइव माइक्रोमीटर ये तो इससे कम हो गई तो अब क्या पक्की बात की जो नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल अगर ये क्वांटिटी कम हो रही है तो मतलब नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल बढ़ने वाली होगी तो फिफ्टी भी हो नहीं सकता हंड्रेड भी नहीं हो सकता अब आती है बात टू हंड्रेड और फाइव हंड्रेड की चलिए देख लेते हैं नंबर ऑफ डिविजन्स नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल अब यही मुझको निकालना है तो डेट वुड बी वॉट ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया अभी नंबर ऑफ डिविजन्स की 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 मतलब 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 तो ये हो गया कि कि मतलब मतलब अगर मुझे अपने स्क्रूगेज की लीस्ट काउंट को फाइव माइक्रोमीटर करना है तो सर्कुलर स्केल में इस बार डिविजन कितनी होनी पड़ेंगी टू हंड्रेड क्योंकि जब हंड्रेड डिविजन थी तब लिस्ट काउंट होता था मेरा 0.01 पॉइंट mm. मिलीमीटर अगर मुझे 5 माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट करना है तो नंबर ऑफ डिविजन्स होनी पड़ेंगे 200 हंड्रेड सो ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट ऑप्शन दैट्स फॉर दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू